हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार। आप सभी का स्वागत है पोल खोल अभियान के थ्रू। ये मेरा दूसरा वीडियो, ठीक है। 2023 में BBS रसिया में क्या क्या बच्चों को दिक्कत आई, कौन से यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम आई, क्या आपको 2024 में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो अब दूसरा जो वीडियो है, क्योंकि एजेंट प्रमोशन करते हैं और वहाँ के रिलेटिव बताते हैं, हम सारे यूनिवर्सिटी को लेंगे और वहाँ का क्लियर बताएंगे क्या दिक्कत आई। हम बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत ही पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और पॉपुलर होने की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, क्या दिक्कत आई बच्चों के साथ, वो मैं आपको रिलेटिव बता रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये रसिया की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ ट्यूशन फी 2,99,244 रूबल है और मेरे बहुत सारे बच्चे हैं गए हुए, और उनके साथ और उनके फीडबैक के हिसाब से मैं सारा चीजें आपको बता रहा हूँ। हॉस्टल में आप देखेंगे यहाँ आपको मिलेगा 14,000 से 36,000 रूबल लिखा हुआ, और वीजा इंश्योरेंस ये जो है एक्सटेंशन वगैरह ये 22,500 लगते हैं। अब आपको बता रहा हूँ, ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा जो एक्चुअल चार्जेज है जनरल मेडिसिन का, ये आपको दिख रहा है, ये है आपका 2,99,244 जो मैंने आपको बताया। अब बच्चों के साथ क्या क्या दिक्कत आई 2000, फर्स्ट जो प्रॉब्लम, एडमिशन मोर देन द सीट, भाई कितने सीट है, किसी से पूछोगे कोई कुछ भी बोल देगा मुंह से, एज अ प्रूफ बताए इतने सारे कहां से आ जाएंगे सीट। बच्चे चले जाते हैं 1,000 से प्लस 1,000 to 1,200 बच्चे, और एक्चुअल सीट किसी भी यूनिवर्सिटी का देखो, इंडिया में एक सीट डिसाइडेड होती है, और मेडिकल कॉलेज के लिए इतना बच्चों को पढ़ाना टफ है, कोई भी मेडिकल कॉलेज इंडिया में ये नहीं हो सकता। आप बोल सकते हैं एम्स जैसी संस्थान कितनी सीटें है, 200, तो आप 250 मैक्सिमम, इससे दो ज्यादा सीटें कहीं भी इंडिया में नहीं है, ये कैसे पढ़ा लेते हैं भाई, इतने सीटें एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल सीटें इसकी 350 है। आप लोग चलते हो भेड़ की चाल, मैं बताऊं प्यार से बातें तो समझ में नहीं आएगी, ये बोल दिया जी एक तरफ चल रही है, सीधे भेड़ की तरफ चल दो, बस्कीर जाना है बस्कीर जाना है। अब पहला तो प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम आई हॉस्टल की, भाई ये कैपेसिटी होती है, अब इसकी कैपेसिटी हॉस्टल की जब बच्चे ज्यादा जाएंगे तो कहां से क्या होगा, फिर बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिली है 2023 में, बाद वाले जितने भी बच गए उनको हॉस्टल बाहर रहना पड़ रहा है, तो खर्चे तो आपको बताया गया था कि ये हॉस्टल कम में हो जाएगा, आपकी बजट बढ़ गई, अब आप प्राइवेट में रह रहे हो तो एक दिक्कत, अब ओवर क्राउड हो जाएगा भाई, बच्चे अगर 300 साढ़े 300 सीटें हैं, और ये एजेंट जो इंग्लिश बकवास करते हैं, ये बोलते हैं ये कैपेसिटी इनके पास मेडिकल कॉलेज में, ये जहां भी है ये गड़बड़ है, यहाँ कोई उतना पढ़ा ही नहीं सकता उतने बच्चों को, मेडिकल की कैपेसिटी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर 300 सीट से ज्यादा है मतलब दिक्कत है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, हॉस्टल में दिक्कत आई, एक्सपेल्ड हुए बहुत सारे बच्चे, हर बार एक्सपेल्ड होते हैं, एजेंट आपको बताते नहीं है, और जो वीडियो हमारे देख रहे हैं जो एजेंट भाई हैं या जो स्टूडेंट है, आपको लगता है कि कोई गड़बड़ है तो आप बताइए, मुझे कॉल करिए डायरेक्ट, ठीक है। और भी यूनिवर्सिटी में दिक्कत हुई है उनका भी पोल खोल करेंगे, तो ये हुआ है, और एक्सपेल तो होना होना है क्योंकि ओवर है। और दूसरा चीज ये एजेंट आपको नहीं बताते कभी भी कि आपको लास्ट 15 साल या 20 साल कभी भी आपको टीबी हुआ है, ठीक है, और आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, आप मेडिकल में आपको चेस्ट में कोई भी दिक्कत दिखाई देती है आप सीधे एक्सपेल्ड हो जाओगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे का हमारे पास कॉल आया जो गए और अपने पैसे फूंक लिए 5-7 लाख, और पता चला जी वो एक्सपेल्ड हो गए, अब उनको टीबी नहीं, मतलब 10 साल 15 साल पहले, 10 साल 15 साल से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो एजेंटों को ये सारी चीजें बता के भेजना चाहिए, मैं जब भी बस्कीर का एडमिशन आता है मैं बोल के भेजता हूँ कि यहाँ ओवर क्राउडेड है, ये प्रॉब्लम्स है, और खुल के बोलता हूँ जहां भी दिक्कत है, ऐसा नहीं है मेरे कोई भी यूनिवर्सिटी मेरा नहीं है, जो भी एजेंट बोलता है उसका यूनिवर्सिटी मतलब
ऐसा कुछ नहीं होता है, यूनिवर्सिटी तो रशियन गवर्नमेंट की है और प्राइवेट में आपको कभी भूल के नहीं जाना है। तो ये आपका बस्किर का हो गया, और डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टीम को, डॉक्टर पंकज यादव, डॉक्टर विजय कुमार और माई सेल्फ, ठीक है। लोएस्ट कंसल्टेंसी चार्ज का हम आपको गारंटी देंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।